हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे किचन बीनास क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बीना और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं खट्टी मीठी तीखी पपड़ी चाट, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये झटपट बनने वाली पपड़ी चाट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पपड़ी चाट बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ले लेने हैं उबले हुए आलू। तो एक बड़ी साइज़ का मैंने उबला हुआ आलू लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून जितना हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, जिससे इसका बेहद टेस्टी स्वाद आता है। तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ा हाथों की मदद से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से आलू में कोट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने आलू के मसाले को एकदम अच्छे से आलू में मिक्स कर लिया है। अब हम ले लेंगे पपड़ी। तो मैंने यहाँ पर एक डिश ले ली है और ये जो पपड़ी है वो रेडीमेड मार्केट में मिलती है। अगर आपको घर पर बनानी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम ले लेंगे उबले हुए आलू जो हमने मसाले के साथ मिक्स करके रखे थे, तो उसे हमें पपड़ी पे लगाते जाना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आलू को मैस मत कीजिए, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और उसके ऊपर मसाले डाल दीजिए। इस तरीके से भी आप ये चाट बना सकते हैं, लेकिन मैस करने से जो मसालों का टेस्ट बढ़ जाता है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैस करके आलू लिए हुए हैं। तो मैंने आलू अच्छे से पपड़ी पे रख दिए हैं। अब हम उस पे ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक बारीक कट किया हुआ प्याज ले लिया है। ऊपर हम थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम इस पे ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। नमक तो हमने पहले ही आलू में डाल दिया है और पपड़ी में भी नमक है, तो नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है दही। दही में मैंने एक टीस्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर दी थी और उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो दही हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे ग्रीन चटनी। तो इस चटनी में मैंने लहसुन, अदरक, हरा धनिया, नमक, पानी और फुदीना, इन सारी चीज़ों को ऐड करके मैंने ये चटनी बनाई है। तो आप इसी तरीके से ये चटनी बनाइएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर इमली की चटनी ऐड की है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से दे दूँगी। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे बारीक सेव। अगर आपके पास घर में अवेलेबल हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। ऊपर से हम थोड़ा बहुत इस पर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर तीखा ऐड कर सकते हैं, यानी कि तीखा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडी है हमारी खट्टी मीठी तीखी पपड़ी चाट। आप इसे हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है, कम समय में बनने वाली डिश है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पास में दिए गए बेल बटन को जरूर से क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।